साथियों, आज हम एक नए विषय पर फिर से बात कर रहे हैं आज। और ये आज का विषय जो है, जो खेत मजदूर है, जो किसानों किसान का एक बहुत बड़ा हिस्सा है और हमारे देश की आबादी का भी बहुत बड़ा हिस्सा है। और ये ऐसा वर्ग है जो हमारे देश की जो है सबसे जो शोषित और पीड़ित जनता है, उसका बड़ा हिस्सा खेत मजदूर के साथ है। खेत मजदूर के सवाल पर हम कॉम्रेड भूरामल स्वामी जी से बात करेंगे, जो राजस्थान से हमारे साथ जुड़ेंगे। कॉम्रेड जो अखिल भारतीय खेत मजदूर जो यूनियन है उसके प्रदेश अध्यक्ष हैं। तो हम सीधे कॉम्रेड स्वामी से हम बात करते हैं। कॉम्रेड, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? कॉम्रेड ने बताया, खेत मजदूर का जो सवाल है वो क्या है और किस तरीके की समस्याएं हैं खेत मजदूरों की, थोड़ा समझाएं हमको। ऐसा है कॉम्रेड कि खेत मजदूरों की समस्या तो जब से आज़ादी मिली है तब से ही थी। उनके लिए कभी भी किस प्रकार की कोई ऐसा काम नहीं किया गया जिससे उनके जिंदगी में लाभ हो। लेकिन पिछले 5-7 सालों से तो बड़ी भयावह विकराल स्थिति हो गई है। 90 के बाद तो और ही ज़्यादा भयावह स्थिति हो गई है। आबादी का लगभग 35% से भी ज़्यादा गांव में खेतीर मजदूर है। दिनों दिन छोटे जोत वालों की जमीन बड़े जमींदारों के पास जाती जा रही है, वो खेत मजदूर के तौर पर उनकी संख्या बढ़ती जा रही है। कॉम्रेड, में ये जानना चाह रहा था कि खेत मजदूरों की जो समस्या क्या है। जैसे आप एज यूनियन जो सवाल उठाते हैं, इसके सामाजिक सुरक्षा का सवाल है, क्या उसकी स्थिति क्या है, वो कैसे जीवित रह रहा है? स्थिति मैंने कहा ना, बड़ी दयनीय स्थिति है। मतलब हर प्रकार के कानून बनाए, पेड़ काट लो तो कानून है, पशु को मारो तो कानून है, कुत्ते को मारो तो कानून है। एक व्यक्ति प्रोडक्शन का काम कर रहा है, देश के अंदर उत्पादन कर रहा है, उसकी उम्र जब तक चलती है, जब तक उसके घुटनों और पैरों में दम है, जब तक वो खेती में उत्पादन करता है, लेकिन उसकी सुरक्षा के लिए कोई राष्ट्रीय कानून नहीं है। उसके चोट लग जाए या वृद्धा हो जाए, कमाने लायक नहीं रहे, तो उसके स्वयं के लिए और उसके परिवार के लिए कोई सुरक्षा की गारंटी नहीं। सबसे बड़ी स्थिति तो ये है कि उसके बाद वो एडियां रगड़ रगड़ के बुढ़ापे का अपना जो है किसी तरह से गुजारा करता है। ये तो राष्ट्रीय सुरक्षा कानून उसके लिए बने, ये हमारी लंबे टाइम से मांग है। दोनों ही सरकारों ने आज तक नहीं सुना है। गांव में रहते हैं, उसकी रहने की समस्या है। गांव के बड़े जागीरदार के कमरे में रहेगा, कच्चे कोठों में रहेगा, तो वो बंधुआ मजदूर की तरह से रहने के लिए बाध्य है। काम एक व्यक्ति को दिया जाता है, पूरा परिवार उसके काम के लिए करने को मजबूर है। वहाँ उसकी कोई सुविधा नहीं है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली चरमरा रही है, जानबूझ के कर रहे हैं। नरेगा शुरू तो किया है, लेकिन सरकारों की मंशा नरेगा को किसी न किसी तरीके से, और जो खाता पीता गांव का सरपंच और इस प्रकार के बड़े धनाढ्य किसान है, वो उसको समाप्त करना चाहते हैं। तो नरेगा को भी एक तरह से जानबूझ करके समाप्त करने की ओर है, तो वो नरेगा में भी उसको फायदा नहीं है। कुछ परसेंट लोगों को काम मिलता है, तो उसके अंदर उसको सही उसका मुआवजा नहीं मिलता। वेतन आता है 150 रुपये, मिलता उसको 70 रुपये। इस प्रकार के भयावह स्थिति में वो जिंदा रहने के लिए बाध्य है। सामाजिक सुरक्षा जो है, जैसे बच्चों के पढ़ाई के लिए, स्वास्थ्य के लिए कोई भी योजना नहीं है इनके। आप कल्पना कर सकते हैं कि जिस आदमी के 2 जून की रोटी का झगड़ा हो, वो अपने बच्चों को कैसे पढ़ाएगा? और कोई हिम्मत करके पढ़ाता भी है तो जो जिस प्रकार की हमारी शिक्षा की प्रणाली है, द्वितीय अंग्रेजों के टाइम से मतलब दो शिक्षा की प्रणाली है, बड़े स्कूल, छोटे स्कूल, सरकारी स्कूल, कॉन्वेंट स्कूल, तो वो स्कूल अव्वल तो गांव में होते नहीं, होते हैं तो वह सही शिक्षा के अध्यापक नहीं, तो उनको कोई ये नहीं है। चौथी 5वीं तक आते आते, 8वीं तक आते आते वैसे ही खत्म हो जाते हैं। तो न उसके पास ऐसा साधन है कि उन बच्चों को स्कूल फीस, अब कहने को तो मिड डे मील वहाँ दे रहे हैं कि बच्चों को हम खाना दे रहे हैं, लेकिन और सुविधा भी तो चाहिए ना। अब हर बच्चों को पढ़ाएंगे, अब बच्चा जो है बकरियां भेड़ चला रहा है, उसकी मजबूरी है उस परिवार की, उसको भेड़ चलाने के एवज में उसके परिवार को मुआवजा नहीं देंगे। बच्चा शहर के अंदर कढ़ाई साफ कर रहा है होटल के अंदर, उसके एवज में बाल कल्याण कानून तो बना रखा है, उसका असर हुआ कि वो भूख मरने के कगार पे आ गया। अरे आप उसको मुआवजा दो ना, ताकि उसकी कमी पूर्ति होगी, उस बच्चे को वो परिवार पढ़ाया जाए, उसके सरकार पढ़ाए। तो कोई ऐसे शिक्षा की और सामाजिक सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं। इलाज के लिए कोई व्यवस्था, इलाज तो बहुत मुश्किल होगा। निश्चित तौर से इलाज कैसे मिलेगा? इलाज सरकारी स्कूल, गरीब से गरीब आदमी आज निजी अस्पताल की ओर से आकर्षित होता है। क्यों? तो वो जानता है कि वहाँ जाऊँगा धक्के खाऊंगा, बल तो डॉक्टर नहीं मिलेगा, लंबी कतारें होती हैं और मुझे दवाई नहीं मिलती। तो एक तो ये जो लोगों के अंदर
भय व्याप्त है कि सरकारी अस्पताल, और वो सच्चाई भी है कि सही तरीके से उनका जब इलाज नहीं होता है तो मजबूरी में वो निजी चिकित्सालय में जाते हैं, वहां तक उनके कपड़े तक बिक जाते हैं। हम लोग उनकी सहायता करते हैं, डॉक्टरों को कहते हैं, तो इस प्रकार की अस्पताल के अंदर कोई डिस्पेंसरी नहीं जो गरीब आदमी को मौके पर दवाई दे सके, तो इससे बीमारी का भी उसके कोई ऐसा इलाज का कोई सुविधा नहीं। बड़ी संख्या में लोगों की ऐसी पैसे के अभाव, बिल्कुल होती है, पैसे के अभाव में मौत हो रही है, हम देख रहे हैं रोजाना। सरकारों का ये हाल है कि किसी भी प्रकार से उसकी कोई गारंटी नहीं, बाद में जो है घड़ियालों आंसू बहाते हैं, हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, होने के बाद करेंगे, और वो भी तब करते हैं जब कोई सामाजिक कार्यकर्ता उस मुद्दे को उठा दे। इनका कोई पेंशन का भी स्थिति नहीं है? पेंशन की कमाल होगी, हम कह रहे हैं ना कि हम तो सामाजिक सुरक्षा पेंशन, मैंने जैसे शुरू में निवेदन किया कि 60 साल की एक फोर्थ क्लास आदमी, एक किसी भी उद्योग के अंदर काम करने वाले को पेंशन मिलेगी, फोर्थ क्लास को पेंशन मिलेगी, एक 60 साल तक उत्पादन कर रहा है भी, आप पेंशन किसको दे रहे हो? भी उत्पादन के अंदर उसका सहयोग रहे, चाहे वो कार्यालय में हो चाहे फैक्ट्री में हो, जो एक छोटा किसान, एक छोटा खेत मजदूर है, वो खेत के अंदर उत्पादन कर रहा है, देश को अंदर उत्पादन करके जो है सहयोग कर रहा है, उसकी कोई पेंशन नहीं, तो वो क्या क्या उसका बुढ़ापे की सुरक्षा कैसे हो? आपका चिंता बिल्कुल जायज है। मैं ये कहना चाह रहा कि ये पशुधन एक थोड़ा हेल्प करता था, पशुधन जैसे भेड़ बकरियां जो भी जानवर रख के अपना गुजारा करते थे, निश्चित तौर से एक समय था कि वो खेत मजदूरी करते करते साइड जॉब कह लीजिए पशु पाल लेता, गाय या भैंस, लेकिन आजकल वो स्थिति उसके लिए रही नहीं, क्योंकि गांव का जमींदार उसको कोई हरा चारा नहीं लेने दे रहा है, तो हरा चारा नहीं लेने देगा तो जाएगा कहाँ? वही गुलामी वाली बात है, बंधुआ मजदूर वाली बात है कि उसके खेत में जाओगे तो फ्री की सेवा दो, तो वो और बाहर दाना उसका इतना महंगा है, खल हो, बिनोला हो, दूसरा जो पशु के लिए दूध के लिए जरूरी है वो उसके जो है पड़ता नहीं करता है, और दूध का जो रेट है वो उसको अगर करे भी किसी तरह से मुश्किल से तो उसका रेट का सही कीमत नहीं मिलती है, जितना खर्चा करने के बाद जो 5 किलो दूध निकालेगा उसका पूरा लाभ ही उसको नहीं मिलता है, तो वो पशु भी उसके लिए भारी पड़ रहा है। ये जो पीने की पानी की व्यवस्था है इसमें के बारे में क्या? पीने के पानी की व्यवस्था भी हर क्षेत्र के अंदर गरीब आदमी के मार है। पीने के पानी की भी गांव के अंदर जो गरीब हरिजन बस्ती है, ज्यादातर 80% ज्यादा लोग जो है दलित खेत मजदूर है, उनकी कॉलोनी अलग है, हमारे यहाँ डिग्गियां होती हैं, कहीं कोई नलकूप होते हैं, उनकी डिग्गियां पानी की व्यवस्था बड़ी भयंकर है, और वो पानी अगर आप व्यवहारिक रूप से उन डिग्गियों को जाके देखें तो आप जो है उससे हाथ नहीं धोना पसंद करेंगे, और वो गरीब आदमी उसको पीने के लिए बात है, तो स्वच्छ जल नहीं होगा तो बीमारियां का घर करेंगे, वो पानी उसको जो है और दूर दूर तक लाना पड़ता है। हमारे जो राजस्थान के ऐसे इंटीरियर इलाके हैं जहाँ गांव में पानी नहीं है, 3-3, 4-4 किलोमीटर तक बच्चियां आज भी मटका सिर पे खा के पानी लाने के लिए बात है, गर्मियों के दिनों में हो चाहे सर्दियां हो, ये उसी आधी जिंदगी उनको इसी में लग जाती है, तो ये भी पेयजल का भी बड़ा भारी संकट है। कॉम्रेड, जो आपने चिंता जताया है तो बहुत ही विकट चिंता है, हमें जानना चाह रहा हूँ कि इसके लिए जो राजनीति या नीति या सरकार जिम्मेदार है उसकी क्या क्या स्थिति है, नीतिगत क्या होना चाहिए और क्या क्यों नहीं कर रहे इस पे विचार? ऐसा है कि ये दोनों ही पार्टियां देश के पूंजीवादी व्यवस्था की पोषक है, हमने 70 साल के अनुभव में देखा है, और यही हम उस गरीब खेत मजदूर को अपने संगठनों के माध्यम से, बैठकों के माध्यम से, संघर्षों के माध्यम से सिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि आपने उनको भी देखा इनको भी देखा, दोनों की नीति और नीति में कोई फर्क नहीं है, उन्हीं की हालत पहले भी वैसे थी और अब बहुत ज़्यादा भयावह हो गई है, तो हम उनको सिखाते हैं कि संघर्ष ही रास्ता है, और संघर्ष किसके, कौन सा संघर्ष? संघर्ष तो कांग्रेस भी कहती है, दूसरी बीजेपी भी कहती है, संघर्ष वो जो हमारा लाल झंडा है जो क्रांति का प्रतीक है, हम उस समाजवाद को लाना चाहते हैं जो मजदूरों को हम अपने खेत मजदूर को सिखा करके एक वामपंथी विचारधारा उसको प्रशिक्षित करते हैं, उसको बताते हैं कि इस नरकीय जीवन से अगर पीछा छुटाना है तो केवल मात्र संगठित होकर के समाजवाद के रास्ते पे बढ़ो, साम्यवाद को सीखो, वामपंथी विचारधारा से अपनी पकड़ को मजबूत करो, संगठित होकर हमला बोलो, तभी जाके भविष्य में अपने बच्चों का जो हम कर्ज छोड़ के जाते हैं तभी आने वाली पीढ़ी के लिए भला हम कर सकते हैं। गवर्नमेंट, अभी विधानसभा चुनाव हो रहे हैं,
ये विधानसभा चुनाव में आपका यूनियन और खेत मजदूर सारा मिला करके कि क्या पोजीशन रहेगी, क्या फैसला है आपका, क्या समझ? देखो पूंजीवादी पैटर्न में चुनाव की आप और हम सब देख रहे हैं कि क्या होता है आखिर में, आते आते इतना भयंकर पैसा शराब हर अनैतिक धंधे होते हैं, लेकिन हम दूसरी तरफ अपने उन मेहनत कश लोगों के बीच में भी जाते हैं, जाएंगे उनको सिखलाएंगे करिए शराब और ये पैसा तुम्हारे दो दिन काम नहीं आने, और हमारा जो कैडर बेस हमारे जो साथी हैं वो तो उसमें लगे हुए हैं और हम पूरी सिखलाई करेंगे कि इन सारी बातों से वंचित रहें और हमारे वामपंथी विचारधारा या वामपंथी विचारधारा के समकक्ष जो उम्मीदवार हैं उनको जिता करके इन दोनों लुटेरी जमातों को हराने का काम करेंगे, ये हम जनता में जाकर प्रयास करेंगे। कॉम्रेड थैंक्स, बहुत सारा कॉम्रेड आपने वो जानकारी दी, थैंक्स आपको, धन्यवाद। साथियों आज हमारे साथ एक कॉम्रेड भूरामल स्वामी जी जुड़े हुए थे जो अखिल भारतीय खेत मजदूर यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष हैं, बहुत ही अच्छी तरीके से खेत मजदूरों के सवाल को बताया। और एक अजीब सा सवाल है कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी कभी इस तरीके के सवाल नहीं उठाती, कभी इस तरीके के विषयों पर चर्चा नहीं करती जिस तरीके से कॉम्रेड स्वामी ने हमको बताया। ये जानकारी शायद जो भी इस वीडियो को सुनेगा, जो आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं, ये पहली बार आपने सुना होगा कि खेत मजदूरों के, गरीब के, जो उसकी बहुत बड़ी आबादी है, उसके सवाल पर ये पार्टियां चर्चा करना भी पसंद नहीं करती। इसलिए हमको ये समझना है कि जो आम जनता है, देश की जनता, उसके असल सवालों को अगर हम शामिल करना है, असल सवालों को उठाना है, तो हमको जो है जो समाजवादी व्यवस्था, जैसा हमको कॉम्रेड ने समझाया कि समाजवादी व्यवस्था लेफ्ट पार्टी इस विचारधारा की तरफ बढ़ना पड़ेगा, तभी देश का भला होगा, आम जनता का भला होगा। ये एक मैसेज है इस पूरे चर्चा का, जो हम आपसे भी निवेदन करना चाहेंगे, इस मैसेज को सुने, उस मैसेज को ज्यादा से ज्यादा पूरे प्रदेश की जनता के बीच में फैलाने का काम करें। थैंक यू साथियों, धन्यवाद, थैंक यू।